हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का इंग्लिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में देखिए 8 नंबर की तैयारी की बात करेंगे, कैसे करना है तैयारी, एक एक चीज को आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे को आप प्रोवाइड कीजिए वीडियो के थ्रू, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर लें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लें हर एक चैप्टर से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में पूरा एक एक क्वेश्चन को हर एक चैप्टर से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी करना है। जितने भी बच्चे शेयर करते हैं उसके लिए मैं सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का मैं कराऊंगा बेस्ट। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर डेली शाम को और सुबह को वीडियो आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हां, जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि इसका पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल कर देंगे। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में देखिए जितने भी आपको चैप्टर मैं बता रहा हूं इसको देखिए। प्रोज बुक से आपका जो प्रोज का बुक है उसमें से प्रोज बुक में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर शॉर्ट में देना होता है। तो देखिए प्रोज में आपका बुक जो है शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, देखिए चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, द लास्ट लेसन एक चैप्टर हो गया, इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग, दूसरा चैप्टर देखिए, तीसरा चैप्टर डीप वाटर, ये आपका तीसरा चैप्टर है, और यहां पर देखिए फोर नंबर द रेड ट्रैप, ये वाला आपका फोर नंबर चैप्टर, और लास्ट वाला जो है फाइव नंबर इंडिगो। इंडिगो यानी कि पांच चैप्टर से टोटल आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 8 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप से आएगा। तो देखिए देखिए पहला चैप्टर और दूसरा यानी द लास्ट लेसन एंड दूसरा जो है लॉस्ट स्प्रिंग, इन दोनों का वीडियो मैं एक ही वीडियो में बना चुका हूं, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, या ऊपर देखिए आई बटन यहां पर चल रहा है ना, इस पर भी क्लिक करके उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में डीप वाटर और द राइट ट्रैप वाला चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पांच क्वेश्चन बताएंगे, इसको अच्छे से देखिए हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और याद भी हो जाए बहुत ही अच्छे से। तो देखिए सबसे पहला नंबर डीप वाटर वाला चैप्टर है, इससे और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए याद कर लीजिए अभी से, है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर हाउ डीप वाज द पूल, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, और इसी में एक और क्वेश्चन किया है व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यहाँ पर कह क्या रहा है कि हाउ डीप वाज द पूल, यानी कि पूल कितना गहरा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कैसे याद करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका आंसर देंगे कि द पूल वाज 9 feet डीप, यानी कि पूल 9 feet गहरा था, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंगल, देखिए टिंगल ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर देयर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो, इसका मतलब कह रहा है कि पानी के अंदर पीली झुनझुनी, ठीक है, पीली झुनझुनी के अलावा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए एवरीवेयर, एवरी वन मतलब प्रत्येक जगह, देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, इसका मतलब हर एक जगह पानी था, केवल पानी था। इसका आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और एक दो बार देखिए, और इसका मैं पीडीएफ भी दूंगा, पहले तो आपको याद कर लो समझ लो हिंदी में भी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, इसका मतलब क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन वेरी आई एम पी है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये नहीं आएंगे, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके चैप्टर है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अभी बता दूं कि 7 साल से मतलब पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन में तो अभी 3 साल से हुआ, बट मुझे काफी मतलब कि एक्सपीरियंस है कि कौन से क्वेश्चन दृष्टि मतलब काफी मतलब इम्पोर्टेंट है कि हर एक जगह उसका वैल्यू हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, आपको अच्छे से तैयार करना है, इसको हिंदी में समझ लेना है। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, इसका मतलब कि डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया, ठीक है। इसका आंसर देखिए कैसे याद करना है, इनसाइड द वाटर मतलब कि पानी के अंदर, ठीक है। डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हीट द वाटर मेक ए बिग जम्प कम टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस मतलब होता है सतह,
लाइफ लोट ऑन इट, यहां तक कमा है, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, यहां तक, ठीक है, यहां तक पहले अर्थ समझिए कि इन साइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हीट द वाटर, इसका मतलब पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर डगलस ने पानी से टकराने की रणनीति बनाई, ठीक है, रणनीति बनाई, मेक ए बिग जंप, और इसके बाद एक बड़ी छलांग लगाओ, मतलब बड़ी छलांग लगाई, कम टू द सरफेस यानी कि सतह पर आने के लिए, लाइफ फ्लोट ऑन ईट, उस पर लेट जाओ, उस मतलब कि उस पर लेट जाए, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, मतलब उसका स्ट्रेटजी जो उसका रणनीति था वो भी विफल रहा, मतलब कि सफल नहीं रहा। अब देखिए, ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, उसके उसने अपनी जान बचाने के लिए यह सब लगातार किया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली रूप से। अब इसके बाद थर्ड नंबर, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट उसी चैप्टर का, किस डीप वाटर वाला चैप्टर से, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, देखिए थर्ड नंबर, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू टू ट्रेन डगलस, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इसका मतलब डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, ठीक है, प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया डगलस को, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर, ठीक है, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट, वेंट थ्रू ए पुली, ठीक है, हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, हावर आफ्टर हावर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इसका मतलब क्या कर रहा है आपको समझना होगा, अच्छे से समझेंगे तो क्लियरिटी आप समझ पाएंगे, कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू टू ट्रेन डगलस, इसका मतलब कह रहा है कि डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड हिम, इसका मतलब प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगाई। फिर देखिए, अटैच ए रोप, और एक रस्सी को बेल से मतलब जोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए, ए पुली, और एक चरखी के माध्यम से उसको चलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वेंट बैक एंड फोर्थ क्रॉस द पुल, रस्सी के अंत में आयोजित पुल में आगे और पीछे घंटे के बाद, मतलब कि अब देखिए, मतलब बांध दिया। अब देखिए, हावर एंड हावर, हावर एंड हावर कह रहा है ना, घंटे के बाद, डे आफ्टर डे, मतलब कि दिन मतलब बाद। अब यहाँ पर देखिए, वीक आफ्टर वीक यानी कि सप्ताह के बाद सप्ताह, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो है, यहाँ पे अगला द रैट रैप वाला चैप्टर से, ये जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी दो क्वेश्चन बताएंगे। अब इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, फोर नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, व्हाट हैपेंड विद द रैट रैप सेलर इन टू द वुड्स, और क्वेश्चन कह क्या रहा है, हिंदी में समझिए, व्हाट हैपेंड विद द रैट रैप सेलर इन टू द वुड्स, इसका मतलब कि वुड में, यानी कह रहा है कि वुड्स में रैट ट्रैप विक्रेता के साथ क्या किया, ये वाला हो गया। इसका आंसर कैसे लिए, व्हेन द रैट ट्रैप सेलर स्टोल 30 कॉर्नर्स ऑफ द क्रॉफ्टर, ठीक है, ही रैन इन टू द वुड वेयर ही वाज, देखिए ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि जब चूहेदानी विक्रेता ने क्राफ्टर, यहाँ पर क्राफ्टर है, ठीक है, इसका मतलब क्राफ्टर के 30 कुनर्स चुरा लिए, तो वह जंगल में भाग गया, ठीक है, वो जंगल में क्या कर गया, भाग गया। अब यहाँ फॉरेस्ट मतलब जंगल में भाग गया, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, मतलब जहां वह जंगल में फंस गया था, द होल फॉरेस्ट विद द ट्रंक एंड ब्रांचेस इट थिकर्ड्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज इन अपॉन हिम लाइक ऑन एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू एस्केप, इसका मतलब पूरा का आंसर क्या कर रहा है कि देखिए, जब चूहेदानी विक्रेता ने क्राफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए, तो वह जंगल में भाग गया, ठीक है, जहां वह जंगल में फंस गया था, सारा जंगल उसकी मतलब चड़ी और शाखाओं उसके, मतलब वही कर रहा है, ब्रांचेस मतलब चड़ी और शाखाओं घनों के लिए घिरा हुआ था, जो कि उसके एक अभेद जेल की तरह बंद हो गया था, ठीक है, यहाँ पर जेल बोल रहा है।
ट्रंक, अब यहाँ पे प्रिजन मतलब जेल होता है, तो इसका हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। अब इसके बाद इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, आज की इस वीडियो का 5 नंबर। इसका PDF भी अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पे ज्वाइन होना है और इसका टेलीग्राम पे जाकर के ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। करेक्ट, व्हाई वाज द वगाबोंड, ठीक है, वगाबोंड एंड नॉट रेडी टू गो विथ द, देखिए, आयरन मास्टर टू हिज हाउस, इसका मतलब क्या करे, व्हाई वाज द वगाबोंड नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, इसका मतलब कि देखिए आवारा लोहे के मालिक के साथ उसके घर जाने की के लिए तैयार क्यों नहीं था, ठीक है, ये कह रहा है इसका। अब देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, द वगाबोंड वाज नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम एंड ही वाज वरीड अबाउट 30 कॉइन्स विच ही स्टोलन, देखिए स्टोल है, स्टोल एंड हाइड विथ हिम, इसका मतलब क्या कह रहा है कि द वगाबोंड वाज नॉट रेडी टू विथ इन द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, इसका मतलब कह रहा है कि आवारा लोहे के मालिक के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, ठीक है। वह 30 कुनर्स, कुनर्स देखिए यहाँ पर लिखा है, अभी मैं पढ़ा रहा था कोनर्स, ठीक है, यहाँ पे 30 लिखा होगा, 30 कोनर्स ये वाला है, ठीक है, 30 कोनर्स यानी कि 30 कोनर्स के बारे में चिंतित था, मतलब कि भूल जाएगा, विच ही स्टोल एंड हैड विद हिम, जो उसे चुरा लिया था और उसके साथ था, ठीक है, जो चुरा भी लिया था और उसके साथ में भी था। तो इसका मैं देखिए 2 चैप्टर से बताया हूँ, कौन कौन से चैप्टर देख लीजिए, एक यहाँ पे डीप वाटर वाला और एक द रेड ट्रैप वाला चैप्टर से, दोनों से अभी 5 क्वेश्चन बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, लाइक कीजिए, इसको समझिए और शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।